नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितिन। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सिंगरौली एनसीएल मुख्यालय में कॉमर्शियल माइनिंग व सिंपीडीआई को कोल इंडिया से अलग करने पर रोक लगाने सहित 5 सूत्रीय मांगल पत्र माननीय प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री, कोयला सचिव, कोल इंडिया चेयरमैन आदि को नोटिस दी गई, जिसमें 2 से 4 जुलाई तक काम बंद, हड़ताल की नोटिस दी गई। एनसीएल में पांचों श्रम संगठन सीटियां, SC ST OBC काउंसिल आदि संगठनों के साथ जबरदस्त प्रदर्शन परियोजना बार एवं एनसीएल मुख्यालय पर किया गया। श्रम संगठनों द्वारा कहा गया कि कॉमर्शियल माइनिंग व सिंपीडीआई को कोल इंडिया से अलग करने पर रोक लगाने होंगे। इनके विरोध में सभी श्रम संगठन एकत्रित होकर सिंगरौली एनसीएल मुख्यालय के गेट पर केंद्र के मोदी सरकार के साथ विरोध में जमकर नारेबाजी की। साथ ही श्रम संगठनों के द्वारा कहा गया कि जिस तरह सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय ले रही है वह विनाशकारी हो सकता है। इस आंदोलन में BMS, HMS, C2 इंटक, एटक एवं अन्य संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। सिंगरौली से भारत न्यूज संवाददाता कंचन द्विवेदी की रिपोर्ट। करने जा रही है और कोल इंडिया को CMPDI खुलने से अलग करने के प्रयास कर रही है, जिसको लेके हम लोगों ने आज 5 सूत्रीय मांग पत्र जो भारत सरकार कोयला सचिव को देने जा रहे हैं। हमारे साथ सभी संगठन, ये राष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ है हमारे NCL में एटक BMS के साथ, एटक इंटक C2 HMS CTR ST OBC काउंसिलिंग, ये सभी लोग आज साथ हैं। हम लोग सब हड़ताल की नोटिस देने जा रहे हैं, जो हड़ताल पूरे कोल इंडिया में काम बंद हड़ताल 2 जुलाई से 4 जुलाई तक पूरी तरह होगी, क्योंकि इसमें 5 सूत्र मांग में कामर्थिंग माइनिंग और CMPDIL के अलग करने के अलावा हाई पावर कमेटी का बेच जो कि पूरी तरह नहीं लागू है, ये डिमांड उस पर है। साथ में 930, 940, 950 के तहत अनुकंपा नियुक्ति जो मिलती है उसमें अघोषित रोक लगाई हुई है, उसके विरोध में हम लोग जा रहे हैं कि 5 बिंदुओं को लेकर हम लोग पूरे कोल इंडिया में हड़ताल करेंगे। और अगर हड़ताल से सरकार नहीं मानती है तो आगे भी इसको रेगुलर किया जा सकता है, हड़ताल बढ़ाई जा सकती है, अनिश्चितकाल हड़ताल हो सकती है, इससे संबंधित इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल।